तो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग जैसे जान रहे होंगे हुंडई की तरफ से आने वाली एक्स्टर इस समय इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा हाइप पे है। हाइप पे इसलिए क्योंकि इसकी जो बेस मॉडल है यानी कि ईएक्स, उसकी प्राइसिंग काफ़ी अग्रेसिवली सेट की गई है हुंडई की तरफ से। बात करके उसकी प्राइस क्या है, तो यहाँ पे उसकी लॉन्च इवेंट में उसकी प्राइस 5,99,000 बताया गया है, तो वो एक काफ़ी अग्रेसिव प्राइस हो जाता है ऐसी एक बढ़िया फीचर लोडेड गाड़ी के लिए। तो आज हम उसी बेस वेरिएंट यानी कि ईएक्स के बारे में बात करेंगे और समझेंगे क्या वो अपने वैल्यू को जस्टिफाई करती है या कहीं मार्केट को कैप्चर करने के लिए इसका दाम कम किया गया है। तो यही देखने के लिए वीडियो अंत तक पूरा देखिएगा। आज हम उसके कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ से आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप इन फोटोज़ और वीडियोस को रियल का गाड़ी के चैनल पे जाके आराम से देख सकते हैं, उन्होंने इसके और अच्छे से बात की है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ORVM सबको पूरे ही ब्लैक कलर के मिलते हैं और डोर हैंडल्स भी ब्लैक कलर का मिलता है। सामने से बात करें तो ऐसी कुछ सामने की लुक मिलती है। नीचे आपको प्रोजेक्टर देखने के लिए नहीं मिलता है, नीचे आपको नॉर्मल हाइलोजन लैंप देखने के लिए मिल जाता है। ऊपर की तरफ आपको कोई भी DRL दिया नहीं गया है, इस मॉडल में आपको नॉर्मल लाइट ही ऊपर दी गई है। ये इसके 15 इंची के व्हील्स हैं जिसमें कि कंपनी व्हील्स कवर भी इस बार नहीं दे रही है। तो ये इसकी पूरी एक आगे से लुक है। आप अगर इसके दरवाजों पर देखेंगे तो इसकी जो डोर हैंडल्स वो भी आपको बॉडी कलर में नहीं मिलते हैं, वो आपको ब्लैकआउट मिलते हैं। अच्छी बात यह है कि आगे और पीछे के जो बम्पर है वो सिल्वर में यहाँ पे कंपनी ने दिए हैं। आगे की जो ग्रिल है वो आपको अभी ग्लॉसी जरूर दिख रही होगी, लेकिन ये ग्लॉसी में नहीं आने वाली है, ये आपको सिंपल मैट कलर में दिखने वाली है। यहाँ पर आपको फेंडर पर इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाता है। ORVMs आपको कंप्लीट ब्लैक कलर में मिलते हैं मैट फिनिश के अंदर, और यहाँ पर कोई भी उसमें इंडिकेटर या फिर पेडल लैंप का आपको ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलते हैं। और यहाँ पे आप इसको डोर हैंडल्स भी देख सकते हैं कि आपको कंप्लीट ब्लैक रंग में डोर हैंडल्स दिए गए हैं, कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। तो ये थी पूरी कंप्लीट लुक। अगर आप साइड से एक बार और देखेंगे तो जो बी और सी पिलर है वहाँ भी ब्लैक फिनिशिंग नहीं दी गई है, कोई भी टेप वहाँ पर नहीं लगाई गई है, सीधे आपको बॉडी देखने के लिए मिल जाती है। और नीचे की क्लाइडिंग्स आपको कंप्लीट ब्लैक कलर में आपको इसकी क्लाइडिंग देखने के लिए मिल जाती है। तो ऐसी कुछ इसकी साइड और आगे की लुक है। आपको कैसा लग रहा है ये ईएक्स वेरिएंट जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऊपर की तरफ अगर देखेंगे तो आपको कोई भी रूफ ग्रिल्स भी इस मॉडल में देखने के लिए नहीं मिलती है। पीछे के लाइटों की बात करें तो आपको नॉर्मल टॉप मॉडल वाली एच शेप LED लैंप्स देखने के लिए मिल जाते हैं। उसके अंदर जो बल्ब है वो बेशक आपको हाइलोजन में देखने के लिए मिल जाता है। पीछे की तरफ आपको जो हुंडई के पीछे जो एक हेक्सागोनल डिज़ाइन में का ब्लैक में पार्ट है वो आपको टॉप मॉडल वाला ही देखने के लिए मिल जाता है। ईएक्स वेरिएंट की ऐसी कुछ बाहर से लुक है। अब चलिए इसकी गाड़ी के अंदर चलते हैं और अंदर से इसके लुक्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में अगर हम देखें तो इसमें कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने के लिए ऐसा मिलता है, और यहाँ पर मैनुअल AC आपको देखने के लिए मिलता है 5-speed गेयरबॉक्स के साथ, और कोई इसमें नॉर्मल सा 12-volt का चार्जर मिलता है। ऐसी कुछ गेयरबॉक्स आपको इस मॉडल में देखने के लिए मिलती है, टिपिकली हुंडई की जैसे आती हैं बेस मॉडल्स में। और यहाँ पे इसकी स्टेयरिंग व्हील ऐसी है, कोई भी इसमें क्रूज़ कंट्रोल म्यूजिक कंट्रोल के ऑप्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। MID के कंट्रोल आपको स्टेयरिंग पर देखने के लिए मिलते हैं। MID मल्टी कलर टॉप मॉडल वाली MID आपको देखने के लिए मिल जाती है। ये कंप्लीट इसका अटायर है अगर आप बाहर से अंदर की तरफ अपनी गाड़ी को देखेंगे। तब कोई भी पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं आ रहा है, कि यहाँ पर कीलेस एंट्री का कोई फीचर नहीं आ रहा है। AC वेंट आपको पियानो ब्लैक में दे दिए गए हैं जिसकी वजह से थोड़ा प्रीमियम लग रहा है, फिर भी बहुत ज़्यादा गाड़ी खाली खाली लग रही है, लेकिन ऐसे प्राइस को टारगेट कर रही है कि हम लोग उस पर कुछ कह भी नहीं सकते। अब प्राइस से याद आया कि कई अपनी गाड़ियों के बेस वेरिएंट यानी कि जैसे ईएक्स की प्राइसिंग बहुत एग्रेसिव लगता है कि एक बड़े कस्टमर को वो टारगेट कर पाए, उसमें वो कामयाब भी रहता है। लेकिन जब कस्टमर असल में इस गाड़ी को लेने जाते हैं मार्केट में तो उन्हें एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। जब वो डीलरशिप में जाते हैं तो डीलरशिप कह देते हैं कि या तो बहुत भारी वेटिंग पीरियड है, या तो आप इतने साल रुक जाइए तब हम आपको गाड़ी प्रोवाइड कर पाएंगे। तो ऐसे में ये तो एक थोड़ा सा स्कैमी टाइप का लगता है कि आपको हुंडई के हायर वेरिएंट की तरफ यानी कि SX ऑप्शनल की तरफ जाना पड़ जाता है, क्योंकि कई बार हुंडई फेल हो जाता है अपने ईएक्स वेरिएंट की डिलीवरी करवाने में। अगर आप कोई भी ईएक्स वेरिएंट बुक कराने जा रहे हैं तो उनसे डिलीवरी टाइम एकदम स्ट्रिक्टली पूछ लीजिएगा और एक बाउंडेशन लगाइएगा कि मुझे इसी टाइम पीरियड के बाद चाहिए। तो ये छोटी जानकारी मेरी तरफ से आपके लिए थी जो आपको आगे गाड़ी बुक करने में हुंडई की तरफ से मदद करेगी। बाकी उसके अलावा गाड़ी में कोई कमी नहीं है। फैब्रिक आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा फैब्रिक मिल रहा है। गाड़ी आपको सिंगल पेट्रोल ऑप्शन 1.2 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ देखने के लिए मिलेगी, और एक ही ट्रांसमिशन यानी कि मैनुअल में ही आपको इसका बेस वेरिएंट देखने के लिए मिलेगा। कोई भी इसमें ऑटोमेटिक का बेस वेरिएंट में आपको ट्रांसमिशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो काफ़ी अच्छी प्राइसिंग इसकी हुंडई ने रखी है और काफ़ी एक बड़े मार्केट को ये कैप्चर कर सकती है। अगर अपने ये डिलीवरी में अगर हुंडई सक्षम रही तो आपको ये बहुत ज़्यादा ईएक्स वेरिएंट इसका रोडअप देखने के लिए मिलेगा। अगर आप इस गाड़ी के लिए जा रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूँ गाड़ी में कोई कमी नहीं, आप खुलकर इस गाड़ी को ले सकते हैं, लेकिन बीच का वेरियंट यानी कि ईएक्स से ऊपर वाला और ये वाला वेरियंट लेने का ट्राई करिएगा। टॉप मॉडल में उतना वैल्यू फॉर मनी मुझे नहीं लगता है कि 10 लाख रुपये इस सब 4 मीटर गाड़ी के लिए लेना सही रहेगा। वहाँ पर फिर नेक्सॉन आ जाती है जो कि अपनी सेफ्टी और ऐसे के लिए
वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो यही मेरा आज का वीडियो था। अगर वीडियो पसंद आया हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिले, तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाइएगा। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।